एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। हमने पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पूरा कंप्लीट कर लिया है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोएडिशन, सिग्मा ट्रोपिक हर तरह की रिएक्शंस हमने वहां पर कवर की हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, लास्ट ईयर ही 2023 में ही आए हुए हैं, जून एंड दिसंबर जो दोनों एग्जाम हुए थे सीएसआईआर नेट के, उसके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ था, इसके ऑप्शंस भी दिए गए हैं आपको। इसको आप सबसे पहले तो अपने आप सोल्व करके देखिए किस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, कौन सा इसमें आंसर होगा। ये तो श्योर है ऑप्शन से कि कोई दो इसमें होने वाले हैं आंसर, लेकिन होंगे किस तरीके से वो आप देखो, खुद ट्राई करके देखो, शायद आपको खुद करने से वो चीज समझ आ जाए जल्दी से। तो देखो आप ट्राई करो, मैं बताती हूँ। इसमें हमें ये वाला दिया हुआ है क्वेश्चन कि इसका जो है प्रोडक्ट भी हमें दिया हुआ है, लेकिन हमें ये बताना है कि किस प्रोसेस से हुई होगी रिएक्शन, यहां से यहां तक आने में इसको क्या क्या प्रोसेस जो है वो फॉलो करने पड़े होंगे इसको। तो देखो डायरेक्टली हमें ये दिख रहा है कि पहले थी फोर मेंबर रिंग, अब बन चुके हैं सिक्स मेंबर रिंग, कुछ ना कुछ तो ओपनिंग हुई होगी वहां पर। तो यहां पर आपकी जो रिएक्शन है वो रिंग ओपनिंग है, यानी कि वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन तो है पक्का। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक ये और इलेक्ट्रोसाइक्लिक ये, साइक्लो एडिशन तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है कहीं, क्योंकि दो चीजें हमारी बिल्कुल भी ऐड नहीं हो रही है, लेकिन हम सोच देखते हैं, चलो क्या पता आगे कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी इलेक्ट्रोसाइक्लिक भी हो जाए और साइक्लो एडिशन भी हो जाए। तो अभी इसको हम ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं करते, फिलहाल हमें ये पता चल गया कि पहला पार्ट तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक ही है पक्का। तो यहां से ये वाला बोन इधर और ये वाला बोन इधर, ठीक है, हीटिंग की कंडीशन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं, 4π इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 4π हीटिंग के केस में क्या होता है, कौन रोटेटरी होता है, तो 4π इलेक्ट्रॉन्स, कौन रोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, तो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सही है, इससे हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। कैसे बन जाएगी रिएक्शन यहां से जब आप करोगे इसको, यहां पे आएगा डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड आएगा यहां पर ऐसे, ठीक है। ये वाला बॉन्ड तो हमारा ओपन हो गया, रिंग ओपन हो गई, यहां पर दो ग्रुप लगे हुए हैं, COMe एंड CHO ग्रुप, ठीक है। तो यहां पे अगर हम इस CHO ग्रुप को ऐसे लिख दें और ये COMe ग्रुप तो है ही, ठीक है। अब क्या हुआ है नेक्स्ट स्टेप में देखो, क्या यहां पे कुछ साइक्लो एडिशन हो रहा है, अगर हम इसको मान ले कि यहां पर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे मिलके एक 4+2 साइक्लो एडिशन देंगे, इंट्रामोलिकुलर 4+2 साइक्लो एडिशन, कैसा हो सकता है यहां पर, 2+2 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसको तो हटा ही दो। यहाँ पर 4+2 साइक्लो एडिशन का भी हमें थोड़ा सा लग रहा है चांस कि यहाँ पर देखो 4π इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर 2π इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम इसको इधर करना चाहें और इसको इधर ऐसे, तो यहां से हमें ये दिख रहा है कि ये वाला बॉन्ड तो फॉर्म होना है और वही फॉर्म होकर आंसर आया हुआ है और ये वाले बॉन्ड इस तरह शिफ्ट हो जाएंगे, तो आंसर तो हमारा आ चुका है। लेकिन क्या ये 4+2 से आया है या फिर 6π इलेक्ट्रॉन डिसरोटेटरी से आया है, तो देखो 4+2 होता तो उस केस में हमने क्या किया था, जो भी हमारे साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है उसमें हमारे कोई दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं या ब्रेक होते हैं, यहां पर तो सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन 4+2 तो नहीं हो सकती, 4+2 नहीं हो सकती साइक्लो एडिशन, तो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, तो बी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर अगर हम इसको सोल्व करें तो ये सेम वही चीज आएगी जो ये है, ये वाला ही आएगा आंसर, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है हमारा CHO के पास, इसके COMe के पास, इधर यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर आ गया, ये वाला बॉन्ड इधर है और यहां पर कोई बॉन्ड नहीं है और यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सेम पार्ट हमारा ये वाला आ रहा है, ओके। सो ये बहुत एक इजी सा क्वेश्चन है जो हमारा आया हुआ था लास्ट ईयर दिसंबर 2023 में और 4 मार्क्स में आया हुआ था। सोचो कि अगर आपसे ये रिएक्शन करनी आती होगी, पेरिसाइक्लिक चैप्टर आप पढ़ के गए हो और उसमें आपने ये रिएक्शन अच्छे से की हुई है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, तो आप इसको आराम से कर पाओगे, ठीक है। अब यहां पर देखो 6π इलेक्ट्रॉन्स और हीटिंग की कंडीशन थी तो डिसरोटेशन होता है ना उसमें, इसलिए ये आंसर हो सकता है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन कौन रोटेटरी दिया होता तब ये फिर गलत हो जाता, तो ये चीज ध्यान रखनी थी, ठीक है। तो यहां पर हमारी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन से प्रोडक्ट बना है, एक बार 4π इलेक्ट्रॉन, एक बार 6π इलेक्ट्रॉन से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये भी लास्ट ईयर दिसंबर 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें भी हमें क्या बताना है, देखो ये वाली रिएक्शन दी हुई है, हीटिंग दी हुई है, ट्रांजिशन स्टेट हमें बतानी है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट क्या बनी होगी बीच में जिससे हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट आया है। ठीक है, आपको ये वाली चीज ना देखकर सिर्फ इतना भी दे सकते हैं कि ये देकर हीटिंग दे दे, तब आपको पूरा प्रोडक्ट बनाना होगा यानी ये वाला। अभी इसमें बीच में हमें ट्रांजिशन स्टेट पूछ ली कि ये बताओ क्या बनेगी, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा कर दिया ना, चेंज कर दिया, डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं पूछा बट बीच का पार्ट पूछ लिया। तो देखो इसमें कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तो आप ध्यान रखो कि यहां पर आपको 1 2 3 1 2 3 इस तरह का एक अरेंजमेंट दिख रहा है, यानी यहां पर होने वाली है 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। यहां से इसको बोन को ब्रेक करेंगे और इस वाले कार्बन का इस वाले कार्बन से बोन बनाएंगे। ठीक है, इसको जैसे ही आप बोन को बनाओगे तो ये हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा जो फाइनली बना हुआ है, बट बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो क्या बनेगी, देखो यहां पर ये वाला जो होता है 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक, उसकी ट्रांजिशन स्टेट किस तरह की बनती है, मैंने बताया था कि वो हमारी एक 6 मेंबर रिंग बनती है, जैसे साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म होती है इसी टाइप की एक ट्रांजिशन स्टेट यहां पर बनती है 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक में। तो इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से, ये इस टाइप से बनेगी, इस ऑक्सीजन के पास ये वाला 1 2 3 1 2 3 इधर 1 2 3 यहां पर मिथाइल लगा हुआ है ऊपर की साइड ऐसे, और यहां पर लगा हुआ है नेक्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, और ये है हमारा ट्रांस में इस तरीके से। तो अगर आपने इसमें ऑप्शन में देखो ये वाला ऑप्शन आपको दिया गया होगा, लेकिन यहां पर आप देखो 1 3 डाइएक्सिल इंट्रैक्शन हो रही है, ये मिथाइल ग्रुप बल्कि ग्रुप है, एच के साथ एक स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है बल्कि है, तो ये वाला ऑप्शन इसका नहीं होगा। तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, ये तो ऑप्शन में होगा आपके, लेकिन ये वाला आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको किसी और तरीके से अरेंज करके देखें, ऐसे अरेंज कर लेते हैं इसको, हम इस तरह 1 2 3 मान लें, और यहां पर हमारा मिथाइल ऊपर की साइड है तो इस मिथाइल को यहां लगाया, नेक्स्ट पे डबल बॉन्ड और ये वाली ट्रांस इस तरीके से। तो देखो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं वो हमारी कौन सी पोजीशन पे हैं, ऊपर की साइड है, इक्विटोरियल पोजीशन पे है, एक्सियल पे, ये 1 3 डाइएक्सिल इंट्रैक्शन की वजह से कोई हिंड्रेंस वहां पर नहीं हो रही है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर मिथाइल जो है इस तरीके से अरेन्ज होंगे, और फिर लास्ट में हम यहाँ पर इस तरीके से इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ना, ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस टाइप से बनेगी, ये वाला बोन ब्रेक करेगा और ये इस तरीके से ऐसे बनेगी। ठीक है, ये ऐसे आपको ऑप्शन में मिलेगी, इस तरीके से आपको शो करनी थी। ऑलराइट, मेन बात है यहां पर जो मिथाइल ग्रुप है उनकी पोजीशन पे आपको ध्यान रखना था कि वो पोजीशन कहां होनी चाहिए, तो ये दोनों इक्विटोरियल पे होने चाहिए थे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, ये हमारा 2 मार्क्स में आया था क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारा सेक्शन बी होता है 2 मार्क्स का, उसमें एक क्वेश्चन आया था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर फॉलोइंग डाइन्स विद मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करानी है, यानी के इस तरीके से हमें यहाँ पे ये रिएक्शन करानी है, और ये है हमारी डाइन। तो डाइन की यानी के 4+2 साइक्लो एडिशन की बात कर रहे हैं, यानी के डील्स अल्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डील्स अल्डर रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। डील्स अल्डर रिएक्शन के केस में हमने बताया था कि जो डाइन होती है उसकी क्या कंडीशन होती है, कौन सी डील्स अल्डर रिएक्शन फास्ट होती है, तो उसके लिए डाइन को कैसा होना चाहिए, सिस होना चाहिए। सिस कॉन्फॉर्मेशन अगर डाइन की है तो फिर वो बहुत अच्छे से रिएक्ट कर पाएगी। तो यहां पर हमारी कुछ तो सिस में ऑलरेडी होती है, कुछ हमारी डाइन ट्रांस होती है, बट उनको हम रोटेट कर सकते हैं। तो यहां पर हम इन सबको रोटेट करके देखेंगे कि कौन सी डाइन जो है हमारी रोटेट करके सिस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है इजिली और रिएक्शन कर सकती है। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या देखेंगे, अगर हम इसको रोटेट कर दें इस तरीके से, इस वाले पार्ट को हम इधर ले आए रोटेट करके ऐसे, तो ये बनेगा। इस वाले पार्ट को अगर हम रोटेट कर देते हैं तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा कि ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप एक साइड लगेगा और ये वाला ग्रुप हमने रोटेट करके इधर की साइड ऐसे ले गए। ओके, इसको अगर हम रोटेट करें तो इस वाले पार्ट को हम इधर की साइड ले जाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा इस तरीके से, यहां पर टर्शियरी ब्यूटाइल
और यहाँ पर भी टर्शियरी ब्यूटाइल। तो देखो सिस तो हम इन सबको बना सकते हैं, तो रिएक्शन तो सबके साथ होगी, लेकिन रिएक्टिव कौन होगी सबसे ज्यादा, सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगी वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पर कि जो ये वाला ग्रुप है, देखो इस वाले को देखते हैं सर सबसे पहले, ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है दोनों, तो ये वाले ग्रुप बहुत बल्की है। टर्शियरी ब्यूटाइल मतलब इस तरीके से ये तीन ग्रुप लगे हुए हैं ऐसे ऐसे, तो ये तो बहुत हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे ना यहाँ पर, तो इनका आपस में हो जाएगा रिपल्शन। यहाँ पर ये फास्ट रिपल्शन करेंगे, इतना फास्ट रिपल्शन होगा कि ये सिस से फिर से ट्रांस में चेंज हो जाएगी। तो मतलब ये सिस में आना बिल्कुल पसंद ही नहीं कर रही है, इसको ट्रांस में रहना पसंद है। अगर इसको हम जबरदस्ती सिस बना भी देते हैं तो फिर रिपल्शन से फिर ट्रांस हो जाती है। दैट मीन्स जो ऑक्सीजन है वो तो सबसे कम रिएक्टिव है, इसको तो हम सबसे लास्ट में लिखेंगे कि ऑक्सीजन हमारे सबसे कम रिएक्टिव यहाँ पर है। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में यहां पर अगर हाइड्रोजन है और यहां पर भी हाइड्रोजन है, तो इसमें देखो यहां पर तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें तो कोई ऐसा रिपल्शन का केस नहीं है, ये तो ट्रांस बनना नहीं चाहेगी। और यहां पर क्योंकि हाइड्रोजन और टर्शियरी ब्यूटाइल है तो यहां रिपल्शन होगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसको ऐसे बना दोगे कि इसमें बिल्कुल भी रिपल्शन नहीं है, ये एम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर इसमें थोड़ा सा रिपल्शन है इसलिए ये वाला, और इसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन इसलिए ये वाला। लेकिन ये आंसर नहीं है, इसका ये आंसर नहीं है। इसमें एक लॉजिक और आपको देखना है कि यहां पर तो जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है उसमें रिपल्शन नहीं है बिल्कुल भी, तो ये सिस फॉर्म में बनी रहेगी, वो बात सही है। तो यहां पर ऑर्डर जो है ना वो ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो ये नाइट्रोजन, ये जो एन वाला पार्ट है ना, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और टर्शियरी ब्यूटाइल के बीच में रिपल्शन तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, इतना रिपल्शन है कि ये इसको सिस बना देगा, ठीक है। यहाँ पर तो रिपल्शन बहुत फास्ट था इस वजह से ट्रांस बन गई, लेकिन यहाँ पर रिपल्शन इतना है कि बस ये इसको ना थोड़ा सा और सिस बना देगा। पहले ये जो चीज ज्यादा हमारा गैप हो रहा था वो उसको थोड़ा सा ऐसे कर देगा रिपल्शन की वजह से ना। देखो ये कोई चीज हमारी इस तरीके से है, मान लो ऐसे है, पीछे से कोई चीज, दो बल्की ग्रुप है, मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल एक बल्की ग्रुप है, तो ये थोड़ा सा इसको क्या करेगा, इस तरीके से रिपल्शन होगा और ये इसको थोड़ा सा और पास ले आएगा, तो ये और ज्यादा सिस बन जाएगा। तो अब ये हमारा पहले इतना नहीं था, पहले थोड़ा ट्रांस में था, इसकी वजह से थोड़ा सा और सिस बन गया, इसीलिए इसमें जो एन वाला हमारी डाइन है ये सबसे फास्ट रिएक्टिव है। ओके, आंसर ये लग रहा था लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर होगा। इसका पता चल गया कि एक हमारे जब बल्की ग्रुप एक होगा तो फिर वो उसको थोड़ा और सिस बनाएगा, दोनों बल्की हैं तो फिर वो रिपल्शन फास्ट करेंगे और उसको ट्रांस में रहने देंगे। तो ये हमारा इसका एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ये भी हमारा लास्ट ईयर 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 वाले एग्जाम में, ठीक है। फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कोरेस्पोंड टू, ये आपको डायग्राम दिया गया है, आपको बताना है कि ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कौन से वाले इसके लिए है, होमो ऑफ पेंटाडाइनाइल कटायन है या होमो ऑफ पेंटाडाइनाइल अनायन है या फिर दोनों का लूमो है, तो ये आपको बताना है। कैसे देखेंगे हम इसको, बताया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब क्लास में कराया हुआ था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को आपको अच्छे से बताया है कि उसमें किस किस तरीके से हम अरेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, कैसे फिल करते हैं, किस तरीके से हम फोटोकेमिकल कंडीशन में उनको एक्साइटेड करते हैं, वो एक्साइट होकर दूसरे स्टेट में जाते हैं, कैसे नोड्स निकालते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमें जो इसका हिंट देखना है वो है नोड्स। यहाँ पर हमारी नोड जो है वो एक दी हुई है कि सिर्फ एक ही नोड इसमें प्रेजेंट है, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है उसको हम नोड बोलते हैं। तो नोड है हमारी यहाँ पे ओनली वन, यानी कि ये कौन से वाले फंक्शन के लिए होगा, साइटो फंक्शन के लिए, कार्बन के। और हमारा यहाँ पर क्योंकि पेंटा डाई इनाइल कटायन या अनायन ही दिया हुआ है, तो पेंटा डाई इनाइल मतलब इस टाइप से, पेंटा डाई इनाइल मतलब ये वाला जहां पर दो हमारे इन दो डबल बोन्स है। अब यहां पर हो सकता है प्लस हो और हो सकता है यहां पर माइनस हो, ठीक है। अब क्योंकि बात तो हो रही है हमारे इसकी साइटो वाले फंक्शन की, तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर हो रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व,
और यहां पर है 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। तो अगर ऐसा हो रहा है कुछ, तो यहां पे देखो इसको साइवन और इसको हम साइटू मानते हैं, आगे की साइट्री और साइफोर इस तरीके से। तो यहां पर हमें अगर 4 इलेक्ट्रॉन फिल करें तो ये फिर हमारा इस तरीके से आएगा, ठीक है। और अगर हमने 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, मान लो कि हमने यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, तो फिर तो यहां पर हमारा जो होमो है वो साइथ्री आएगा, ठीक है। होमो जबकि कौन सा आना चाहिए, साइटू वाला। यहां पर तो दो नोड्स आएंगे, ऐसा तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो यानी 6 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम तो नहीं है। तो मतलब ये अनायन वाला पार्ट तो नहीं हो सकता, ये अनायन नहीं हो सकता, होमो, होमो ऑफ अनायन। और लूमो तो देखो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो इस केस में साइथ्री है और इस केस में साइफोर है, तो साइटू तो वो तब भी नहीं हो सकता, तो दोनों लूमो ही गलत। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है कि हमारा जो होमो है ये 4 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम, ये इसके लिए ही सही बैठ रहा है, बस एक नोड और साइटू वाला फंक्शन, ठीक है। तो होमो ऑफ पेंटाडाइनाइल कटायन यहाँ पे सही आंसर है, ओके। इजी था ये क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर आपको पता है तो आप इजीली इसको निकाल पाओगे, 2 मार्क्स आराम से मिलेंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने ये 4 क्वेश्चंस आपको कराए हैं, शुरू के दोनों क्वेश्चन जो थे हमारे वो 4-4 मार्क्स के थे, लास्ट के जो दोनों क्वेश्चन कराए हैं वो 2-2 मार्क्स के हैं। तो अब आप खुद देख लो कि 12 मार्क्स का लास्ट ईयर दिसंबर में ही पेरिसाइक्लिक से क्वेश्चन आए, 12 मार्क्स बहुत होते हैं 12 मार्क्स। अगर आपने बहुत अच्छे से पेरिसाइक्लिक पढ़ी होगी, या बिल्कुल अच्छे से भी नहीं, ये तो क्वेश्चन बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे, अगर आपने उसको थोड़ा भी पढ़ा है पेरिसाइक्लिक को, तो आप ये क्वेश्चन करके आओगे और 12 मार्क्स आराम से मिलेंगे। तो इसलिए पेरिसाइक्लिक को जरूर पढ़ना चाहिए, वो अच्छा चैप्टर है, उससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पेरिसाइक्लिक बहुत जरूरी है, ठीक है, उसको जरूर करके जाना एग्जाम में। तो अभी हम ना कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो जून में आए हुए हैं, लास्ट ईयर ही बट जून वाले एग्जाम में आए हुए थे, अब उनको डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन हमारे पार्ट सी में 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, और थोड़ा सा इसको अगर समझ लिया तो फिर ये बहुत इजी है करने में। देखो, इन द गिवन रिएक्शन, जो ये वाला हमारा दिया हुआ है आपको सब्स्टिट्यूएंट CH2 डबल बॉन्ड CHSO2PH, ठीक है। इस वाले को हमने ये कहा कि एक मिनट, टू भी है यहाँ पर, SO2PH ये दिया हुआ है। तो इसमें ये कहा कि ये जो रिएजेंट, ये जो सब्सट्रेट हमें दिया हुआ है यहाँ पर सब्सट्रेट, ये किसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, यानी इसकी जगह इनमें से हम क्या लें कि हमें सेम प्रोडक्ट मिल जाए, तो इथाइलिन, इथीन, इथेन या फिर किटीन। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस तो आपको देखकर ही पता चल रहे होंगे कि नहीं हो सकते, कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो हमारा बनने वाला है प्रोडक्ट, पहले इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से बना होगा। यहाँ पर हमारी ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हुई होगी, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन के केस में यहां पे इस तरीके से इसको हम, ये ब्रिजिंग पे चला जाएगा ये वाला ग्रुप ऐसे, और यहां पर आएगा एक डबल बॉन्ड। यहां पर जो हमारी SO2PH है, क्योंकि देखो यहां पर ये वाला जो प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है, ये SO2 यहाँ पर जो है, जो ये ऑक्सीजन वाला पार्ट है, ये इसके जहां पर पाई बॉन्ड बनना है वहां इंटरेक्ट कराना चाहिए। अगर इसकी इंटरेक्शन इसके साथ होती है तभी ये हमारा एंडो प्रोडक्ट देगा, जो कि डील सडन रिएक्शन का मेन कंडीशन थी, कि वहां पर मेन जो है प्रॉपर्टी थी कि एंडो रोल वहां पर लगता है, यानी एंडो प्रोडक्ट ही मेनली बनता है। तो इसको हमें इसके लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा ताकि इंटरेक्शन करे, यानी कि ये वाला जो ग्रुप लगेगा हमारा वो बिलो साइड लगेगा, ठीक है। इंट्रैक्शन तभी होगी जब ये एंडो यानी बिलो साइड होगा, तो इसको हम मान लेते हैं कि बिलो साइड लगा है हमारा, और ये सिंगल हो गया हमारा बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये ग्रुप लग गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है हमारा, नेक्स्ट स्टेप में देखो, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन होने वाला है। ये जो ग्रुप है हमारा, ये वाला पूरा ग्रुप ये बाहर जाएगा, ये निकल जाएगा यहां से, और यहां से जो ये H है ये इधर की साइड आएगा, तो यानी यहां से H और यहां से SO2PH ये दोनों बाहर गए और यहां पे आ जाएगा एक डबल बॉन्ड। तो यहां से इस तरीके से रिएक्शन होगी और ये हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। तो यही वाला काम जो हमने यहां पर इस प्रोसेस को डील सडन रिएक्शन से किया है,
तो यहां पर हम इस वाले की जगह इनमें से क्या ले लें कि हमारा ये वाला प्रोडक्ट आए, तो बिल्कुल डायरेक्टली हमें इसका आंसर दिख रहा है कि उसके लिए हमें लेनी पड़ेगी सॉरी यहां पर ना इथाइन था ये, तो मैं देखू गलत कैसे हो गई, ये इथाइली नहीं इथाइन था यहां पर, ठीक है। तो यहां पर हमारा इथीन तो नहीं हो सकता क्योंकि अगर यहां पर हमने डबल बॉन्ड ही लिया तो फिर ये हमारा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड तो नहीं रहने वाला। इथेन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता सिंगल बॉन्ड वाला, कीटीन का ऐसा यहां पर कोई डबल बॉन्ड है नहीं जो कीटीन हो, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहां पर इथाइन। और यहां पर देखो भी ध्यान से, अगर यहां पर हम इसकी जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं तो फिर ये हमारा इस तरीके से डबल बॉन्ड ही तो बनेगा यहां पर, ठीक है। इस वाले पार्ट की जगह हम इथाइन ले लें तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा। तो यही हमें इसमें पूछा गया था कि इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो इथाइन है, इथाइन लेके भी सेम प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज थी, इसमें अगर आपको ये पूरा प्रोसेस करना भी नहीं आता तो भी समझ जाओ कि ये कैसे बना होगा, इस ग्रुप को यहां से हटाया ही होगा तभी डबल बॉन्ड आया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है इथाइन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। सो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें, इसके देखो इसमें ये वाले दोनों से ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्शन तो यहां पर हमें ये दिख रही है कि 4+2 साइक्लो एडिशन कुछ ऐसा हो रहा है यहां पर, ठीक है। तभी यहां पर ये वाली चीज जो है इससे ऐड हुई है अल्कि से, तो यहां पर लेकिन डबल बॉन्ड है नहीं, तो ये डबल बॉन्ड कैसे आया होगा, कुछ ना कुछ पहले हुआ होगा तभी जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना होगा, उस पोजिशन में हमारी फिर ये रिएक्शन हुई होगी। तो ऐसा क्या हुआ होगा, तो यहां पर देखो लास्ट में जो ये साइक्लो एडिशन से प्रोडक्ट बना है, तो फिर तो ये वाले ऑप्शन हमारे करेक्ट होते हैं, या तो ए या फिर बी, यहाँ पे इसको बाद में देखेंगे। तो ये दोनों चीजें हमारे साइक्लो एडिशन हो रहे होंगे 4+2, तभी जाके हमारे लास्ट में ये प्रोडक्ट मिला है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ होगा, 1-3 हाइड्रोजन शिफ्ट या 1-5 हाइड्रोजन शिफ्ट, तो ये चीजें क्या होती है, देखो 1-3 हाइड्रोजन शिफ्ट का मतलब जो हमारी 1 पोजिशन पे हाइड्रोजन है, तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड लाना है हमें, तो यही वाला हाइड्रोजन शिफ्ट कराना है। लेकिन इस वाले हाइड्रोजन को हम कैसे शिफ्ट कराएं, इस हाइड्रोजन को हम 1-3 पोजीशन पे शिफ्ट कराएं या 1-5 पे, अगर हमने इसको यहां पे शिफ्ट कराया ऐसे इस तरीके से, तो फिर तो यहां पर ये दिखेगा हमें कि 1-2-3-4-5 इस तरीके से, या तो हमारा 1-2-3-4-5 या तो ये वाला हाइड्रोजन यहां आ जाए या ये वाला हाइड्रोजन यहां आ जाए। तो होगा कैसे ये चीज, अगर हमने यहां पर इस वाले पार्ट को मान लो कि बस 3 तक ही किया हमने, 4-5 पे हमने किया ही नहीं, हमने इसको यहीं पे आके छोड़ दिया, तो यहां से ये वाला डबल बॉन्ड आएगा और यहां पर लग जाएगा हाइड्रोजन, तब क्या यहाँ पे रिएक्शन हो सकती है। अगर रिएक्शन होगी तो किसकी होनी थी, कॉन्जुगेटेड की होनी थी, तो इसकी रिएक्शन कैसे करोगे, इसकी रिएक्शन इसके साथ कैसे हो पाएगी, ये चीज 6 मेंबर रिंग कैसे बन पाएगी, यहां पर तो पॉसिबल नहीं है रिएक्शन होना साइक्लो एडिशन, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन यहां नहीं लगने वाला, इसको थोड़ा सा आगे तक लेके जाना पड़ेगा हमें, यहां भी मूवमेंट कराना पड़ेगा इसका। तो इसकी वजह से यहां पर क्या होने वाला है कि ये वाला डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड यहां आएगा और यहां पर ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होके आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनेगी हमारी रिएक्शन, ठीक है। अब जब ये वाला पार्ट हो गया तो अब ये इजिली हमारी डाइन बन गई सिंपल सिस वाली, तो इसको हम आराम से रिएक्शन ऐसे करा सकते हैं। तो यहां से सेम आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे आपका ये वाला जो है ये वाला ग्रुप CH2 वाली रिंग ब्रिज पोजीशन पे आ गई और ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐड हो गया, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है इसलिए उनकी सिस कॉन्फर्मेशन दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे 1-5 हाइड्रोजन शिफ्ट फॉलोड बाय 4+2 साइक्लो एडिशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 1-5 पोजीशन पे हमारा शिफ्ट हुआ है। अगर हम दूसरी साइड से शिफ्ट कराते इसमें, अगर हम इधर से कराते ये वाला हाइड्रोजन 1-2-3-4-5 तो भी नहीं हो पाता क्योंकि हाइड्रोजन फिर यहां आ जाता, इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन आता तब भी हमारे बॉन्ड उस तरीके से नहीं होते जैसे हमें करने थे, तो फिर भी ये आंसर हमारा नहीं होने वाला था। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका, 1-5 हाइड्रोजन शिफ्ट फॉलोड बाय 4+2 साइक्लो एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये 6 क्वेश्चन है जो लास्ट के आपके ईयर में आए हुए हैं, जून में भी एंड दिसंबर में भी, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।